प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि एनपीसीआई मैपिंग यानी कि आधार सीडिंग क्या होता है और डीबीटी प्रोसेस क्या है, चेक कैसे कर सकते हैं आपके खाते में यह है या नहीं। तो मैंने जो आपको चेक करने के लिए बताया था वो यूआईडीआई की साइट से बताया था। ठीक है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी एनपीसीआई मैप यानी कि आधार सीडेड किया हुआ था, ठीक, लेकिन आधार के साइट से इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आधार के साइट पर ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन इसी चीज को आप एनपीसीआई के साइट से चेक करेंगे तो एकदम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड है या नहीं, उसमें डीबीटी प्रोसेस किया हुआ या नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल हाँ या ना सटीक इसका जवाब मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैप है या नहीं, आपको एनपीसीआई के साइट से कैसे चेक करना है। मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बताऊंगा, पहला एक जिसमें एनपीसीआई मैप किया हुआ है और दूसरा जिसमें एनपीसीआई मैप नहीं किया हुआ है। दोनों ही चीजें इस साइट से हम लोग आज करके देखेंगे। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा, तभी जाकर के आप पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एनपीसीआई के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहां पर आपको एक कॉर्नर मिलेगा कंज्यूमर का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसका चेक करके दिखाऊंगा जिनका ऑलरेडी एनपीसीआई मैपिंग किया हुआ है। ठीक है, चेक करने के लिए आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक स्टेटस। प्रोसेस को करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, जब तक ये नहीं है तब तक इस प्रोसेस को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को आप यहां पे डाल देंगे, देन यहां पर आप देख सकते हैं सबमिट, देन यहां पर आप देख सकते हैं गेट आधार मैप स्टेटस। तो ये जो आधार कार्ड है इसमें ऑलरेडी एनपीसीआई मैपिंग किया हुआ है। मैपिंग स्टेटस यहां पर डन है, एनेबल फॉर डीबीटी, कौन सा बैंक है, इंडसलैंड बैंक के साथ इसका डीबीटी इनेबल किया हुआ है। इस साइट से आप जा करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। तो मैप नहीं किया हुआ तो उसका किस प्रकार से इंटरफेस आता है उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। आधार नंबर इतना के लिए मैपिंग स्टेटस नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। आपको एनपीसीआई साइट से चेक करना है, बहुत बार आपको आधार कार्ड में जो है लिंक रहते हुए भी आपको वहां पर नहीं पता चलेगा। यदि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही तौर पर आपकी सहायता करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं 2024 में, ये एक पूरा प्रॉपर और जेन्युइन प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके दोस्त फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच पाए और उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।